मान लो तुम लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क जा रहे हो और डिपार्चर के वक्त पायलट ने डायरेक्शन को 3.5 डिग्री साउथ में सेट कर दिया, तो तुम न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाओगे। 1% का चेंज हमें दिखता भी नहीं टेक ऑफ के वक्त, पर जब तुम लैंड होगे तो तुम बहुत दूर जा चुके होगे। ऐसे ही थोड़े से चेंजेस हैबिट्स में आपके लाइफ को एक अलग ही ट्रैक पर ले जाएंगे। ये 1% का मैथ मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। 1% बेहतर हर दिन आपको 37 टाइम्स ज़्यादा बेहतर कर देगा एक साल में, वही 1% बुरा हर दिन आपको 0 तक लेके जाएगा। ऐसे ही 1% चेंज देव ब्रेल्सफोर्ड ने किया था। 2003 में ब्रिटिश प्रोफेशनल साइकिलिंग की किस्मत बदल गई जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने देव ब्रेल्सफोर्ड को नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया। देव को हायर करने से पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 1908 से सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स में, और तो और ब्रिटिश साइकिलिस्ट इतना हार चुकी थी कि यूरोप की टॉप साइकिल मैन्युफैक्चर कंपनी ने उन्हें साइकिल देने से मना कर दिया। उन्हें लगा कि साइकिल देने से उनके सेल्स में नुकसान होगा। देव उनकी कमाल की स्ट्रेटेजी के लिए पहचाने जाते थे। उनका कहना था कि आप किसी भी बड़ी चीज़ को तोड़िए और उस टूटी हुई चीज़ को रोज़ 1% से सुधारने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ आपको ये नहीं समझा होगा, मैं इसे अच्छे से आपको समझाता हूँ। देव जब डायरेक्टर बने तो वो अपने कोच के साथ मिलकर साइकिल में एडजस्टमेंट्स करने लगे। उन्होंने साइकिल सीट को रीडिज़ाइन किया, उसे और कंफर्टेबल बनाया, टायर्स पर रबर अल्कोहल लगाई जिससे अच्छी ग्रिप मिले। वो यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने प्लेयर्स के लिए सर्जन हायर किया जो उन्हें हाथ धोना सिखाए जिससे सर्दी होने के कम चांसेस हो, और तो और प्लेयर्स के लिए सोने के लिए अलग से बिस्तर के इंतज़ाम किए। ऐसे थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट का असर जल्द दिखने लगा। 2008 ट्रैक साइकिलिंग इवेंट ओलंपिक गेम जो चाइना में हुआ था उसे जीता। यही नहीं, ओलंपिक के 60% गोल्ड मेडल भी जीते, और वही साल ब्रैडली वेगिंस पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिसने टूर दे फ्रांस जीता। 10 साल 2007 से 2017 ब्रिटिश साइकिलिस्ट 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक और पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीते। पर यह हुआ कैसे, साइकिलिस्ट वर्ल्ड चैंपियंस कैसे बन गए? वो होता यह है, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों का अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। हमें लगता है बड़ी सक्सेस के लिए बड़े एक्शन चाहिए, पर ऐसा नहीं है। स्लो कीजिए पर स्टडी रहिए। दोस्तों बाय बोलने से पहले मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, कोविड के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार और बेघर हो गए। दोस्तों मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ कि यही सही टाइम है कुछ नया सीखने का, जैसे कि स्टॉक मार्केट, प्रोग्रामिंग, मनी मार्केट और भी बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों मेरा यकीन कीजिए, ये सब करके ही बहुत सारे लोग अमीर बने।